सवेरा उसी के इंतज़ार में, आदत सी हो गई है इंतज़ार करते के इंतज़ार में। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। आप सोच रहे होंगे कि ये शायरो शायरी कहाँ से हो गई है भाई, तो शायरी शायरी ये इंतज़ार किस चीज़ का है, तो भाई इंतज़ार को करो ख़त्म। आ चुका है आज फिर एक नया ब्लॉग। आज शाम को, आपको पता है भाई, शाम को मैं घर पे नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मेरे पेट का जो चूहा है वो अंदर से उछलना चालू कर देता है कि चलो 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 बाहर निकलते हैं। तो निकल चुका हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और आज के ब्लॉग में क्या कुछ खास है वो चीज़ आप तो आगे देख ही सकते हो या थंबनेल में आपने देख लिया होगा। शाम तो हो चुकी है और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अकेले निकल रहा हूँ, तो मेरे साथ एक बंदा और है और वो बंदा को आप भली भांति जानते हो, और ये बंदा मेरे सामने ये है वन एंड ओनली वन। अब निकलते हैं और जहाँ लेके चलने वाले हैं, आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक्सप्लोर नहीं करने वाले लेकिन थोड़ा जो हमारे पेट का जो अंदर से चूहा कूद रहा है, उस चूहे को शांत करने के लिए एक पता मिला है और उस पते पे चल रहे हैं। और वो पता हो सकता है कि आप में से मोस्टली लोग जो लोग पटना कंकड़बाग क्षेत्र में रहते हैं उन वो लोग जानते होंगे। तो चलिए चलते हैं उस एरिया में, और एक यकीन मानो डंपलिंग्स लवर के लिए वो काफ़ी अच्छा प्लेस है, वहाँ पर चल रहे हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है। तो भाई अभी हम आए हुए हैं MNC के पास। लोकेशन की बात करें तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाइए और वहां से जाके देख सकते हैं। और पहले चलते हैं अंदर, क्योंकि चलिए चलते हैं अंदर। सैनिटाइजेशन वगैरह हो चुका है, मास्क वगैरह अभी यहाँ पे भीड़ है इसलिए लगा के रखेंगे, लगाओ ना भाई। तो चलते हैं पहले अंदर और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। ऑर्डर हो चुका है और सामने बैठे हुए हैं, बिल नंबर आशीष वहाँ अपने पास रखे हुए हैं, और अभी 10 मिनट का टाइम है। तब तक कुछ आपको यहाँ का ज़्यादा बड़ा स्पेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ का इंटीरियर आप लोगों को दिखाते हैं। किचन का शूट तो नहीं ले सकते, कोविड को लेके रिस्ट्रिक्शन दिया गया है अंदर में भाई। तो फाइनली ऑर्डर तो आ चुका है, किचन का शूट आप लोगों को नहीं दिखा सकते थे। तो भाई यहाँ का काम तो हो गया खत्म, हो गया खत्म। और अब पेट का जो चूहा था वो बोल रहा है कि हाँ अब कुछ शांति मिली है, अब भी कुछ और खाएंगे सोच रहे हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, हो गया लोकेशन का बात है, MNC मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाए और जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ से चलते हैं और गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि ये जो शाम का सुहाना सफ़र है ये कहाँ जाता है। भाई तो अभी कॉलोनी मोड़ के पास आए हुए थे, मोमोज खाने के बाद थोड़ा सा गर्मी का है यार, गर्मी का दिन है, पेट का चूहा बोला कि यार एक तो गर्मी है ऊपर से गर्म गर्म और कुछ डाल रहे हो तो कुछ ठंडा डालो, तो उसके लिए आइसक्रीम ले लिया है। लेकिन आइसक्रीम खा रहे थे उसी दौरान यहाँ पे हमारे एक और फ्रेंड आ चुका है, और अब फ्रेंड आ चुका है तो अकेले अकेले तो खा नहीं सकते, इसके लिए भी कुछ लेना होगा, दिखाते ज़रा आपको उसको। भाई तो यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे, अभी कॉर्नर के पास आए हुए थे तो सडनली एक फ्रेंड मिल गया
यहीं पे है और ये भी पूछ हिला रहा है कि कुछ खाने को दे दो भाई। तो उस साइड रोड की उस तरफ एक मेरे को किराना दुकान नजर आ रहा है, वहाँ पे चलते हैं, एक विजिट कर देंगे और इसको भी आज खिला के देंगे। क्योंकि जब इंसान को खुद का पेट में जब आग लगता है ना यार, तो ही भूख का कीमत समझ में आता है, समझ में आया। और हमारा जो थीम है ये वही है कि अगर सामने में कोई हो तो उसको भूखा नहीं खा सकते, इसलिए पहले चलते हैं और खिलाएंगे इसको भी। आते हैं रोड देखते हुए चल रहा है भाई, भाग रोड देखते हुए चल रहा है। इधर आ गए, अब यहाँ पे आएंगे और आके एक नमकीन बिस्किट लेंगे सबसे पहले। तो अभी रोड के साइड में आ गया है और आशीष को देखो किस तरीके, वो देखो वहाँ पे आशीष खड़ा है और अभी खा रहा है किस तरीके से आइसक्रीम खा के। और अब वो पता है क्या करेगा, अब वो अपने पैंट में पूछेगा लगा हुआ आइसक्रीम। इस बार कोई नमकीन बिस्किट ले रहे हैं, लास्ट टाइम जो था डॉग को मैंने एक पार्ले जी खिलाया था, तो पार्ले जी एक में 12 बिस्किट आता है, इतना मीठा हो गया था कि वो फिर खाया ही नहीं था। तो शायद हो सके इंसान तक मीठा नहीं खा पाता है या वो तो जानवर ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं एक नमकीन बिस्किट लेंगे और फिर चलते हैं हमारे जो नए गेस्ट हैं उनके पास। हम लोग बिस्किट ले लिया रहे या डॉगी जा रहा है, उससे पहले आशीष को परेशान कर रहा है क्योंकि आशीष ने पूरा आइसक्रीम उसके सामने खाया था, इसलिए वो आशीष के पीछे ही लगा हुआ है और पूछ काफ़ी ज़ोरों से हिला रहा है। तो आ रहे उसके लिए इस बार नमकीन बिस्किट ले आया, लास्ट टाइम पार्ले जी खिलाया था यार, 2 बिस्किट खाया, तीसरे बिस्किट में लगा कि पागल हो रहा था। अब आशीष बुला रहा है क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हो पीछे में वो डॉग किस तरीके से घूम रहा है। तो वहाँ पे चलते हैं और रोड को उस तरफ होने के बाद आपसे बातें करते। नहीं आ गया भाई तुम्हारा, आ गया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इधर आ जा, उधर जा रहा तो उधर जा भाई। जैसे ही मैं खोल रहा हूँ आप इसको दिखाओ किस तरीके से ये अपने पूछ हिला रहा है। डर लगता है भाई उसको, सबसे ज्यादा डॉग से प्यार भी है लेकिन डर भी लगता है, प्यार इसको आप पकड़ो। तो ये तुम्हारा मील है आज का, पैकेट भी फट गया मेरा भी फट गया। इतना वाला है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। खैर इसको मैं ये सोच रहा है आइसक्रीम का ख्वाब दिखा के बिस्किट खिला दिया, इसलिए क्योंकि इसने एक साइडी, इसके मन में भी यही साइडी चल रही होगी, तूने ये मुझे क्या दिखा के क्या खिला दिया, भर में आसमान में उठा के जमी पे सुला दिया। अरे भाई क्या कर सकते हैं अब, लेकिन इससे ज्यादा यार नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो कि पीछे रोड पे वहां पे वो येलो कलर का रोड पे वहाँ पे दिया हुआ है, ये खुद खा लेगा। तो चलिए चलते हैं अब घर की ओर। तो भाई आज का वीडियो का करते हैं यहीं पे, हाथ में बहुत सारा बिस्किट बचा हुआ है, देखते हैं रास्ते में अगर कोई मिलता है डॉगी तो उसको खिला दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूले क्योंकि उस पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। जा